अच्छा, अब जो है अगली चीज हम देखेंगे वो है हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसको हम ई नॉट ऑफ सेल अंडरलाइन। इसकी डेफिनेशन है कि द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज द ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्राइजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड हाफ सेल। The standard electrode potential is the EMF of an electrochemical cell comprising of the standard half cell. ठीक है, so this is the definition of the standard cell potential. अब जो है जो मैं आके आपको बताना चाहता हूँ वो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होती हैं और वो हमने किस तरह जो है वो जज करना है। उसके बाद जो है वो हम ई नॉट वैल्यू एंड ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी और फिर यूज ऑफ ई सेल टू चेक फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हम डेटा बुकलेट की तरफ जाते हैं जहाँ पे ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यूज लिखी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूज कैसे करनी है, सारा कुछ मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ये है आपके पास डेटा बुकलेट। अब जो है जो डेटा बुकलेट है ना, अब वो एग्जाम में आपको नहीं देते, ठीक है, और वो आपको जो आपके पास क्वेश्चन में आपके लिए जरूरी वैल्यूज होंगी वो बस उधर वो ही लिखेंगे और आपको पूरी की पूरी ए पी एस सी सबको की डेटा बुकलेट नहीं देंगे। और अक्सर आप जो है वो इम्पोर्टेंट डेटा जैसे इम्पोर्टेंट वैल्यूज, कॉन्स्टेंट एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, ये चीजें पेपर के साथ वैसे ही होती हैं। जो भी आपके लिए क्वेश्चन में, अगर फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड एनर्जीज चाहिए होंगी तो जो बॉन्ड एनर्जीज चाहिए होंगी वो वहां पे लिख देंगे, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं। हम जो है सबसे पहले हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो हम याद नहीं, ये डेटा बुकलेट में आपके पास दो टेबल हैं, एक ये टेबल है और दूसरा ये टेबल है। इन दोनों में फर्क ये है कि जो पहला टेबल है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, और जो दूसरा टेबल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर में लिखा हुआ है। देखें, मोर पॉजिटिव से मोर नेगेटिव जा रही है वो, ठीक है, तो मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेंगे। अब ये देखिए कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब ये है कि एक तो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है और 1 मोल पर डीएम क्यूब कॉन्सेंट्रेशन है और 1 ATM प्रेशर है, ठीक है, तो ये जो है ये तीनों बना कहती हैं कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब जो है वो हम बात करते हैं कि आप देखें कि ये वैल्यूज जो है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जांपल मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन सबसे पहले जो वैल्यू देता हूँ वो लेता हूँ Cu2 पॉजिटिव की। देखें कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो कॉपर में जा रहा है और इसकी ई नॉट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव 0.34 आती है, ठीक है। अब पूछना चाहिए कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी वैल्यू, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए हम वो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे दो डिफरेंट चीजें जो हैं वो आपस में डायगनल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सी यू टू पॉजिटिव यहाँ पे है और सी यू यहाँ पे है ना, तो ये दो इक्वेशन इस्तेमाल होंगी। अगर वो साथ साथ आ जाती है ना, जैसे Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, तो ये आपस में नहीं यूज हो सकती, ठीक है, तो उनको जो है वो आपस में डायगोनल होना पड़ेगा, ठीक है, तो ये उसकी रीजन है। ये तो सिर्फ हिंट है, अभी आगे जो है वो मैं आपको जब हम यूज ऑफ ई नॉट सेल टू चेक फिजिबिलिटी वाला भी टॉपिक स्टार्ट करने देते हैं तो उसमें जो है वो मैं आपको बताऊंगा इसको मजीद मैं करूंगा।